दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल में। दोस्तों भगवान श्री गणेश जी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति घर में रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश पैदा नहीं होता है और घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। आप सब भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाएंगे और स्थापना करेंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और गणपति जी की स्थापना में हमें इनका खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात का हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि बिना मुकुट की मूर्ति हमें नहीं लानी चाहिए। अगर बिना मुकुट की मूर्ति हो तो इसे गणेश जी का अपमान माना जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई हो। गणेश जी को हम 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5, 7 और 10 दिन के लिए विराजमान करते हैं, यानी बिठाते हैं। ऐसा माना जाता है कि खड़ी मूर्ति अगर हो तो इसे गणेश जी का अपमान माना जाता है। तीसरी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गरुड़ पर बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति को हमें नहीं लाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चौथी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति जब आप लाए तब गणेश जी की मूर्ति ही लानी चाहिए। अक्सर लोग शिव पार्वती जी के साथ में गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम गणेश जी को विराजमान करने वाले हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की ही मूर्ति लानी चाहिए और उनका पूजा पाठ करना चाहिए। एक सबसे खास बात का आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी की मूर्ति के साथ अगर मूषक ना हो तो ऐसी मूर्ति हमें कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मूषक गणेश जी का वाहन है और गणेश जी बिना मूषक के कहीं भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप बिना मूषक वाली मूर्ति कभी भी अपने घर में ना लाएं। दोस्तों गणपति जी की मूर्ति की स्थापना की अगर बात करें तो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर गणपति की स्थापना के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम, इन दोनों दिशाओं में भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से गणेश जी का फेस यानी गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। जब आप गणेश जी की मूर्ति का चयन करते हैं तो अगर आप सिंदूरी कलर या ब्राइट ऑरेंज कलर की मूर्ति लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। गणेश जी की मूर्ति अगर सफेद रंग की हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति के रंगों का भी खास महत्व माना जाता है। तो आप भी मूर्ति लाते वक्त रंगों का खास ध्यान रखें। गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड में यानी बाईं साइड में होनी चाहिए और खुली हुई होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिस जगह पर गणपति जी की स्थापना करें वो स्थान वॉशरूम यानी बाथरूम की दीवार के पास ना हो, और बेडरूम में भी गणपति जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की पीठ किसी भी कमरे की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना इस तरह से करें कि उनकी पीठ घर के किसी भी कमरे की ओर ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। अगर आप ड्यूप्लेक्स मकान में या बंगले में रहते हैं तो सीढ़ियों के नीचे कभी भी गणपति जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग पूरा दिन सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर गणेश जी की स्थापना से उनका अपमान होता है और घर में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जिसका आप ध्यान रखें और अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा आराधना करें। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि भगवान श्री गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाएं। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।